राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने आज सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सदन में कर्ज को लेकर झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 4 साल कर्ज लेकर मौज मस्ती करी और झूठी घोषणाएं की हैं। अग्निहोत्री का कहना था कि अभिभाषण झूठ का पुलिंदा है। हमने पहले भी कहा, राज्यपाल का अभिभाषण जो है महाझूठ है, झूठ का पुलिंदा है। ये सरकार झूठ ही फैलाती जा रही है। इस सरकार में झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। और आज भी जब मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं, 41 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया और जो मुद्दे उठाए गए उनको मुख्यमंत्री नज़रअंदाज करके झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश कर्ज में डूबता जा रहा है और लगातार कर्जों से जो है मौज और मस्ती चल रही है। सरकार ने 4-4.5 साल मजे लिए हैं, मस्ती की है, हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं और झूठी घोषणाएं, ऐलान, बयान, बस अब तो इनके पास क्या है स्वाय झूठी घोषणाओं के, इनके पास कुछ है नहीं। हिमाचल पूरे देश से अलग है, वो भिन्न है। अगर देश की अर्थव्यवस्था पिछले वर्ष -23.65 जा सकती है तो क्या हिमाचल की अर्थव्यवस्था आगे को बढ़ेगी? इसलिए मैंने कहा इच्छाओं से नहीं चलती है सरकार। जो पिछले वर्ष सरकार ने बजट पेश किया, जो इच्छा जाहिर की कि क्या करना चाहती है, धरती के स्तर पर वो शून्य है, शून्य। इच्छाओं के आधार पर नहीं चलती है सरकारें। कंक्रीट क्या है? आप अपनी कमजोरी बताओ। आप अगर उपलब्धियां भी बता रहे हैं तो उसको भी बताओ कि किस तरीके से जो कमजोरियां आई है उसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो इतना मैंने कहा है कि ये काल्पनिक डॉक्यूमेंट है, ये डाइवोर्स फ्रॉम रियलिटी है, ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें अंतर्विरोध स्वयं है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर विपक्ष को आंकड़े गलत लगते हैं तो वे तर्क के साथ साबित करें। उन्होंने कहा कि झूठा प्रचार कांग्रेस की आदत बन गई है और विपक्ष से समर्थन की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि विरोध भी सभ्य व शालीन तरीके से होना चाहिए। देखिए, प्रस्तुत जो हमने आंकड़े की है वो अपने तर्क के साथ और फैक्ट्स के साथ उनको साबित करें। अगर गलत कहा, एक एक चीज हमने फैक्ट्स पर बोली है और इनकी आदत बन गई है। पिछले 4 वर्षों से हमने देखा कि सत्य पर कभी नहीं बोलना, झूठ बोलना, झूठ झूठ ही बोलना और झूठा प्रचार करना। और मेरा मीडिया से भी इस बात के लिए कि फैक्ट्स जो है वो फैक्ट्स तो फैक्ट्स हैं, जो हमने बात कही है वो हकीकत है। हम सदन के अंदर कोई भी गलत बात कहते नहीं हैं।